ये थाना कलेक्टर पुलिस द्वारा आज एक सराहनीय कार्य किया गया। पिछले कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग जो हैं वो सक्रियता से पुलिस स्टेशन और रोडवेज बस अड्डे के आसपास सक्रिय रहकर जो भी आने जाने वाले जो दूर दराज की बसेज बंद रूप वाली जो बसेज हैं उन पर जो भी यात्री आते हैं उनको किसी बहाने से अपने झांसे में लेकर उन्हें बिठा कर नशे की गोलियों के माध्यम से चाहे उसे किसी ड्रिंक में मिलाकर या फिर किसी बिस्किट में मिलाकर उसे खिलाते थे और उसके बाद जब वो मूर्छित अवस्था में हो जाता था जो भी उसके पास सामान होता था वो उसको लेकर उसे भाग जाता था। इसी क्रम में जो है आज ये मुखबिरी के माध्यम से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से इसी प्रकार के पीड़ित व्यक्ति का सामान बरामद किया गया। ये घटना किस तरह से करते ये अपने पास नशे की गोलियाँ रखते थे और किसी भी खाद्य पदार्थ में उसे मिलाकर उसे पीड़ित को खिला देते थे खिला देते थे जिससे वो बेहोश हो जाता था और फिर उसका सब सामान लेकर वहाँ से चला जाता। उसमें लड़की का क्या साथ में ये सभी जो है गैंग के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं जैसे कोई बाहरी खड़ा जा रही है इनसे जो भी पीड़ित व्यक्ति से जो भी उसके आधार कार्ड और पैसे जो गए थे वो सब बरामद कर हमारे पूर्व में भी सभी जो पूर्व में भी कम से कम 10-10 मुकदमे हैं पहले भी नशे में और चोरी के बरामद भी मैं जो कि लोग हमारे लिए कल जो इसके तरफ से क्या है इस पूरी टीम के सराहने कार्य करने के लिए पुलिस सुल्तान साहब की तरफ से पुलिस टीम को 5,000 रुपये का नकद इनाम घोषित किया गया।